हाय गाइस, वेलकम टू टर्बो ड्रैग। ये है मेरी सुपर मीटियोर 650 एंड हियर आर फाइव थिंग्स दैट आई हेट अबाउट दिस मोटरसाइकिल। स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर वन, इसका यूएसबी सॉकेट। इसमें एक एक्चुअल यूएसबी चार्जिंग सॉकेट यूएसबी 2.0 मिलता है, जो सेम एक हंटर में यूनिट मिलती है, बट हंटर में आपको वो यूनिट मिलती है हॉर्न के नीचे एंड इसमें मिलती है साइड पैनल के अंदर, जहाँ पर आपका एयर फिल्टर है। अब इसमें तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहला, अंदर कुछ रखने की जगह नहीं है, आप फ़ोन या गोप्रो जो भी आपने चार्ज करना है डिवाइस वो नहीं रख सकते। सेकंड, आप जो वायर निकालोगे वो आपको चैसी के अंदर से रूटिंग करके निकालनी पड़ेगी। बट ये दोनों इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है जितनी इसकी थर्ड वाली प्रॉब्लम आती है। वो है, जब आप यूएसबी पोर्ट में अपनी केबल इंसर्ट करोगे तो आपका साइड पैनल बंद नहीं होने वाला, एंड अगर आप फोर्सफुली करोगे मैक्स दो या तीन यूजेज में आपकी केबल ख़राब हो जाएगी मुड़ के। नाउ कमिंग टू नेगेटिव पॉइंट नंबर टू, जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब ऑन इट्स ओन ये बुरा नहीं है, बट जब आप कंपेयर करते हो इसको मीडियर 350 से, आप इतना हाई प्राइस दे रहे हो, सबसे ज़्यादा महंगी रॉयल एनफील्ड की बाइक ले रहे हो एंड आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है मीडियर 350 वाला। सिर्फ इसमें पीछे बैकग्राउंड लाइटिंग का फ़र्क है। अब जब रॉयल एनफील्ड के पास TFT यूनिट अवेलेबल है ना, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पे, जो हमने टेस्टिंग वीडियोज़ में देखा है, एक डिजिटल TFT यूनिट लेके आने वाली है। TFT श्योर नहीं है, बट डिस्प्ले यूनिट ज़रूर है। अब कैसा लगेगा जब आप एक रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप बाइक लोगे एंड उससे कम लेवल की बाइक, कम प्राइस पॉइंट की बाइक आपसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लेके घूम रही होगी। सो कमिंग टू नेगेटिव पॉइंट नंबर थ्री, जो है इसका फ्यूल गेज। पहले तो रॉयल एनफील्ड फ्यूल गेज देती नहीं थी, बट अब जब देती है उसमें एक्यूरेसी बहुत कम है। मैं अभी तक 500 किलोमीटर राइड कर चुका हूँ एंड ये लिटरली राइड के बीच में अपना जो बार्स होते हैं फ्यूल बार्स वो बढ़ा देता है। एक चीज़ रॉयल एनफील्ड को बनानी ना अभी भी नहीं आई, वो है इसका फ्यूल गेज। पहले फ्यूल गेज देते नहीं तो बाइक्स में, और जब देते हैं ख़राब देते हैं। अभी इसमें तीन बार्स थे, टोटल सात बार्स होते हैं सुपर मीटियोर में, तीन बार्स थे, चलते चलते बढ़ गए, पांच बार्स हो गए। मतलब नीचे से बाइक पेट्रोल खींच रही है, क्या कर रही है, सनलाइट से चार्ज हो रही है। अब ये नीचे से पेट्रोल लेता है, सोलर चार्ज से चार्ज होता है, ये नहीं पता, बट इसका जो फ्यूल गेज है वो एक्यूरेट नहीं है। सिर्फ इसका नहीं, रॉयल एनफील्ड में इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल या मीटियोर 350 किसी का भी फ्यूल गेज एक्यूरेट नहीं है। नाउ कमिंग टू नेगेटिव पॉइंट नंबर फोर, जो है इसका परफॉर्मेंस। अब ऑन इट्स ओन परफॉर्मेंस बुरा नहीं है बिल्कुल भी, बट जब आप कंपेयर करते हो 650 ट्विंस के साथ, ये बाइक आपको स्लो फील होगी। एक्सेलरेशन में टॉप एंड की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सेलरेशन की अगर आप बात करो, ये बाइक आपको स्लो फील होने वाली है। तो रॉयल एनफील्ड इसमें थोड़ी सी पावर इंक्रीज कर देती तो अच्छा रहता, एंड 650 ट्विंस से ज़्यादा स्लो फील नहीं होती। नाउ अगेन, इतनी स्लो नहीं है, बट जब आप बैक टू बैक दोनों बाइक चलाते हो तो आपको डिफरेंस एक मिनट के अंदर फील होने वाला है। नाउ कमिंग टू नेगेटिव पॉइंट नंबर फाइव, जो इतना बड़ा नहीं है बट स्टिल, वो है इसका हॉर्न। इसमें एक सिंगल यूनिट हॉर्न मिलता है एंड इवन मेरी 2016 क्लासिक 350 में डुअल यूनिट हॉर्न मिलता था। अब जो इसके कजन्स हैं 650 ट्विंस, उनमें भी डुअल यूनिट हॉर्न मिलता है, तो इसमें क्यों नहीं दिया? ये एक फ्लैगशिप बाइक है एंड इसमें उन्होंने हॉर्न की यूनिट कम कर दी है। मैं एक बार हॉर्न सुना के दिखाता हूँ कैसा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू टर्बो ड्रैग एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, फाइव थिंग्स विच आई लव अबाउट माई सुपर मीटियोर 650।